नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जेवी डिवोशनल। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस प्रकार अंगराज कर्ण पितामह भीष्म से आग्रह करते हैं कि वो उन्हें एक आशीर्वाद दें कि उन्हें युद्ध में सम्मान तो प्राप्त ही हो किसी भी हाल में। किसी भी हाल पितामह ने कहा, देखिए सम्मान आशीर्वाद से प्राप्त नहीं होता, आपको यश आशीर्वाद से प्राप्त हो सकता है, आपको सामर्थ्य आशीर्वाद से प्राप्त हो सकता है, पर सम्मान आपको अर्जित करना पड़ता है। किंतु उन्होंने ये भी कहा कि यदि तुमने किसी भी प्रकार का छल इस युद्ध में नहीं किया और अपनी पूरी क्षमता से युद्ध पे ध्यान दिया, ना कि अपने प्रतिद्वंदी पे, तो अवश्य ही निश्चय ही तुम्हें सम्मान की प्राप्ति हो। दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि शकुनी मामा और अश्वत्थामा दोनों ही गुस्सा है दुर्योधन से और बहस चल रही है कि आपने ये गलत डिसीजन लिया है, क्योंकि अंगराज कर्ण जो है मेरे पिताजी से पदवी में नीचे है, तो अंगराज कर्ण को सर सेनापति बनाना उचित नहीं है क्योंकि उनके नेतृत्व में मेरे पिता कार्य नहीं कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं आगे दुर्योधन अपना फैसला बदलेंगे या नहीं। तो शुरू करते हैं एपिसोड 231 पार्ट 1। मेरे बच्चे, गुरु पुत्र उचित कह रहे हैं, महागुरु धूम का रणभूमि में रहना लाभदायी है। महागुरु द्रोण से पांडवों के वध करने की योजना बनवा, उन्हें रणभूमि त्यागने पर बाध्य मत करो। मित्र, जिस सम्मान की खोज में भटका हूं मैं जीवन भर, वो सम्मान मुझे अर्जुन के गांडीव को तोड़कर ही प्राप्त होगा, ऐसा विश्वास है मुझे। मेरी आपसे विनती है मित्र कि सर सेनापति के पद का भार आप गुरु द्रोण को ही दें। शिफ्ट के मामा सोच रहे होंगे तो अपने आप में हो गए। मेरे बच्चे, संकल्प और विकल्प मन का व्यापार है। वाह 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 मामा वाह वाह। रणभूमि में व्यापार नहीं, प्रहार विजय दिलाता है। विश्वास रखो मेरे बच्चे अपने मामाश्री की कपट नीतियों पर, योजनाओं पर विश्वास। बहुत दिन बाद दीजिए मरी षड्यंत्र पटल, षड्यंत्र पटल। दुर्योधन के साथ ऐसा क्यों होता है? पितामह के टाइम पे भी यही हुआ कि अंगराज कर्ण को मनाने जाए तो फिर पितामह को मनाने गए। गुरु द्रोण अपनी पेटी बांध रहे भाई। हाँ, वो उन्होंने फैसला कर लिया ना। अश्वत्थामा से बोल नहीं दिया था कि मैंने छोड़ दिया तो अब तुमको भी छोड़ना पड़ेगा, पिता का सम्मान जो है बनाए रखना है। वहां गुरु द्रोण प्रणिपात, आपको सर सेनापति न बनाने के निर्णय को बदलने के लिए मेरा बच्चा दुर्योधन सज्ज है। वो सम्मान केवल आपका है महागुरु द्रोण, और आप ही को मिलेगा। मुझे सर सेनापति बनने की लालसा नहीं है गंधाराज, मेरा सम्मान आपके देने की वस्तु नहीं है। रणभूमि में आपको आदेश देना मुझे अपने अपमान जैसा प्रतीत होगा गुरु द्रोण। यह
चिंता मत कीजिए अंगराज, मैं रणभूमि में उपस्थित ही नहीं रहूंगा। आप सुख से युद्ध कीजिए। वो तो मैं चला। अधिक दुखदाई होगा आचार्य तो। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप सरसेनापति के पद का स्वीकार कर लीजिए। किंतु सर सेनापति बनने से पूर्व आपको एक प्रण लेना होगा गुरुदेव। ये टर्म्स एंड कंडीशंस। या उनके पक्ष के किसी भी महारथी को जीवन दान नहीं देंगे, उनको नहीं बनाएंगे, उनसे ही वचन ले लिया था, उनका वध करेंगे आप। ना तो मैं ही हटाऊंगा, मैं ही चोर, मैं ही मंत्री, मैं ही राजा। हटाने के बाद जो है आपका जो संकल्प है, वध करने के लिए एक चोट पहुंचेगी। ये युद्ध करेंगे आप। ऐसा प्रण लेना भी मुझे अपमान प्रतीत होता है युवराज। उत्तम होगा कि मैं रणभूमि का ही त्याग कर दूं। किंतु रणभूमि में रहना आपके लिए अनिवार्य है पिताजी। मैं मेरे मित्र का साथ दे रहा हूं, और यदि आप मेरा रक्षण नहीं करेंगे तो रणभूमि में मेरी मृत्यु निश्चित है। क्या सर्कल बना है यार ये? समय आ गया है पुत्र, तुम अपना सामर्थ्य और सम्मान स्वयं प्राप्त करो। समय आ गया। वृद्ध पिता से इतनी आशा रखने वाले पुत्र की आयु तो बढ़ती है। बिल्कुल सर। आपके वचन का क्या होगा पिताजी? आटे के घोल को जब मैं दूध मानकर पीता था ना, तब स्वयं आपने मेरी स्वर्गवासी माता को वचन दिया था कि आप मेरा और मेरी समृद्धि का रक्षण करेंगे। आज जीवन आपके वचन का क्या होगा पिताजी? संगति का असर दिख रहा है। ये भी वचन याद दिला रहे हैं। वचनों में बांधना सबको पता है। पुराने वचन से मत बांधो पुत्र। मेरे सामने मुक्ति का अवसर है। इनका पुत्र इनको नहीं निकलने दे रहा है। अब तो मुझे मुक्ति पा लेने दो पुत्र। जैसा आप किसी को नहीं मिले भाई। चाहिए पिताजी। किंतु मैं रणभूमि में ही रहूंगा, और जब कल आपका प्रिय शिष्य अर्जुन मेरा वध करेगा तब आप अपने ज्ञान के दान पर गर्व धारण कीजिएगा। मित्र दुर्योधन, मित्र कर्ण, मैं अश्वत्थामा कल प्रातःकाल सबसे पहले अर्जुन से द्वंद करूंगा। और ये लड़का अपने जान की कीमत पे अपने पिता का आश्रय मांग रहे हैं। अपने पिता का दुख उनको दिखाई ही नहीं दिया, जैसे कि दुर्योधन को नहीं दिखाई देता। जवान को बाल मांग रहा है। बेकार है तुम पे अश्वत्थामा। मैं प्रण लेता हूं
मैं रणभूमि में युद्ध करूंगा। वध करने हेतु रक्त की प्यास लेकर जाऊंगा कल रणभूमि में, और मेरा लक्ष्य होगा शत्रु का वध। तो बात करें अश्वत्थामा की, तो कहीं ना कहीं अश्वत्थामा और दुर्योधन की प्रवृत्ति मुझे एक जैसे प्रतीत होती है। कारण जब द्युतसभा में गुरु द्रोण त्याग कर रहे थे द्युतसभा का, तो अश्वत्थामा स्वयं करके अपने आप को दाव पे लगाने के लिए अपने दुर्योधन को बोलते हैं, ताकि उन्हें पता था कि मुझे पहले दाव पे लगाऊं ताकि जो मेरे पिता हैं वो रुक जाए। वही आज उन्होंने फिर से किया। उन्होंने मतलब पिता उनसे एक तरह से याचना कर रहे हैं कि मुझे जाने दो पुत्र, मुझे मुक्ति दे दो, लेकिन वो मैं कल जाके युद्ध करूंगा और मैं अर्जुन को ही चुनौती। इस पूरे प्रकरण से एक चीज बहुत अच्छे से सीखने को मिलती है कि किसी को भी ये नहीं बताना है कि आपकी ताकत या आपकी कमजोरी क्या है। ये तो नहीं पता होनी चाहिए किसी को भी, किसी को नहीं पता होना चाहिए कि आप अपने पुत्र से प्रेम करते हैं तो कितना करते हैं, क्या उसके लिए आप अपना सब कुछ न्यौछावर कर देंगे, या अपनी पत्नी से कितना प्रेम करते हैं क्या उसके लिए सब कुछ न्यौछावर कर देंगे। और कभी अगर प्रेमवश पत्नी ने पूछ भी लिया तो कोशिश यही करनी चाहिए कि ना पत्नी पूछे ऐसे प्रश्न और ना पति ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे। ऐसे सिचुएशन आनी ही नहीं, क्योंकि इस प्रकार की किसी भी सिचुएशन से बाहर ही रहना बहुत उचित। दुर्योधन से मैं सिमिलर इसलिए कह रहा हूं कि दुर्योधन का भी एक प्रकरण था अश्वमेघ वाला, मेघ के वो घोड़े का, जिसे कहते हैं ना संगत का असर, तो ब्लैकमेल वो भी उसी तरीके से करते थे और ये भी इसी तरीके से कर रहे हैं। अब देखिए हुआ क्या, भीष्म पितामह के टाइम पे जब उन्होंने उनको सरसेनापति से हटाया और उसके बाद जब फिर से नियुक्त करवाया, एक वचन उन्होंने मांगा और उसके अकॉर्डिंग हुआ क्या, भीष्म पितामह ने अगले दिन जाके पूरा विध्वंस नरसंहार किया। 7 से 8 दिन लगातार युद्ध करते रहे, कि उन्होंने भी कहा प्रतिज्ञा ये ली थी कि मैं अब रक्त की नदियां बहा दूंगा। सेम सिचुएशन आ गई है कि अब मैं युद्ध भूमि से उतरूंगा ही नहीं, आऊंगा ही। सारा क्रोध दिलाया अश्वत्थामा और दुर्योधन ने, और क्रोध उतरेगा पांडवों के पक्ष पर। पर कोई बात नहीं, बरसाओ बिजली हम सतरंग बनेंगे। इसी चीज के साथ इस एपिसोड को हम यही समाप्त करते हैं, शीघ्र ही लौटेंगे एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।